हेलो स्टूडेंट्स, आज होगा हिंदी 100 सेकंड का 13वीं क्लास है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वा का वृत्त। स्वा का वृत्त क्या कहता है? सा का जो नियम पढ़े थे पहले, उसी वृत्त को बड़ा करना, यानी यही सा का जो वृत्त पढ़े थे इसी को बड़ा करना। सा वृत्त को बड़ा करने से स्वा का बोध होता है। सब को बड़ा करने से स्वा का बोध होता है, ठीक है। जैसे हमको लिखना है स्वर, स्वर देखिए स्वा क्या है, पहले रहा स्वा, कौन पहले स्वा दे देंगे, यही बड़ा हो गया स्वा, राइट हो गया। या एक ऊपर भी जाता है, 45 भी लिखा अंगीर का, तो भी लिख सकते हैं बड़ा करेंगे, ठीक है। स्वा हर्रा स्वर है ना, हमको लिखना है स्वाप में, यहाँ भी स्वा पहले आ रहा है, तो क्या करेंगे पहले बहुत बड़ा करेंगे स्वा पा, और ना करिए ना करिए बड़े ना भेजना क्लास में क्लॉक लगाने से ना का होता है स्वा, हमको लिखना है स्वा का, यहाँ भी स्व पहले आ रहा है, तो क्या करेंगे हम पहले एंटी क्लॉक घुमाएंगे बड़ा करके स्वा का अदा करिए स्वागत, हमको लिखना है स्वादेश, यह भी स्वा पहले आ रहा है, तो पहले बड़ा करेंगे स्वा दे स्वदेश, ठीक है स्वदेश क्लियर है। अब आगे पढ़ेंगे, आगे है आपका ल तथा र, ये क्या कहता है, हम ल दो तरह से पढ़ेंगे, ला एक ऐसे नीचे की ओर, एक ला ऊपर की ओर है ना, रा भी दो तरह से, एक रा नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर, लेकिन नीचे आने वाली ला तथा नीचे आने वाले रा में एक डैश लगाना है, यानी नीचे आने वाले तथा नीचे आने वाले रा में एक हलंत लगाने से तथा रा का बोध होता है। ल और र का जो नियम है बताता है कि नीचे आने वाले र और नीचे आने वाले र में एक डैश लगाने से ल तथा र का बोध होता है। जैसे हमको लिखना है कलर, अब देखिए कलर है तो कलर में क्या रहा, ल रहा है ना, तो हम लिखेंगे पहले का और नीचे ल का रा लाने के लिए, नीचे ल लाएंगे इसमें डैश लगा देंगे कलर, ठीक है। हमको लिखना टेलर, टेलर में मिला रहा है, इसी तरह पहले टा देंगे नीचे ला देंगे रा लगा देंगे टेलर है ना। अब हमको रा लिखना है, रा से लिखे मिरर, यहाँ भी रा रहा है, तो क्या देंगे पहले मा और नीचे आने वाला रा एक डैश है ना मिरर, ठीक है। चरा बच्चा रा रा, ठीक है। हमको लिखना डॉलर, यहां भी डाला रहा है तो डाल देंगे पहले ला देंगे नीचे रा लगा देंगे डॉलर। हमको लिखना बीला, यहां भी डाला रहा है तो बाद देंगे पहले ला देंगे और डैश लगा देंगे बीला, ठीक है। वो दिक्कत नहीं,
अगला नियम है क्वा क्वा तथा द्वा का नियम। ये कहता है ला का नियम पढ़े, ला का आंकड़ा पढ़े, उसी आंकड़ा को बड़ा करना है, यानी ला आंकड़ा को बड़ा करने से क्वा क्वा तथा द्वा का बोध होता है। ला आंकड़ा का जो नियम पढ़े थे कि व्यंजन का स्टेट लाग में पहले एंटी क्लॉकवाइज हुक लगाते हैं तो ला का बोध होता है, उसी ला आंकड़ा को बड़ा करने के लिए कर रहा है ना। ला आंकड़ा को बड़ा करने से तीन चीज का बोध होगा, खुआ का और गुआ का, तीनों का बोध होगा। जैसे खुआ से लिखेंगे क्वालिटी, क्वालिटी में क्या खुआ है पहले, तो पहले क्वा में क्या करेंगे हम ला आंकड़ा को बड़ा करेंगे, यही ला का नियम पढ़े क्वा इतना बड़ा करेंगे क्वा ली और टी क्वालिटी। इसी तरह क्वा है, क्वा से लिखेंगे क्वाइस, हम पहले बड़ा करेंगे यानी काट देंगे इस तरह से, अब बड़ा करेंगे क्वा हो गया, यहां से हाथ देंगे एंटी को सा लगा देंगे क्वाइस है ना। हम कुछ हैं दरख्वास्त दरख्वास्त, यहां भी क्वार है तो क्या करेंगे पहले हम दरा करने लगा देंगे, डर हो गया क्वा हो गया अस्तर चाप लगा देंगे, अस्तर चाप भी पता है ना दरख्वास्त ठीक है। हमको ग्वास लिखना है ग्वाला, ग्वाला में क्या करना है ग्वा आ गया, तो ग्वा में क्या करेंगे पहले ला का नियम जो पढ़े उसी हुक को बड़ा करना है, यही हम बड़ा करेंगे पहले इतना बड़ा ग्वा ला हो गया, यहाँ आ दे देंगे ग्वाला ठीक है। इस तरह से हम बहुत सेंटेंस बनाएंगे जो कि ग्वा 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 का जो नियम है केवल ला आंकड़ा को बड़ा करना है ठीक है, बस इतना ही।